भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा और यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा। अगर यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम हार जाती है तो इस T20 मैचों के सीरीज को अपने हाथों से गंवा देगी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पिछले T20 मैच में खराब खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस मुकाबले के लिए कर दिया है भारतीय टीम से बाहर। और इस निर्णायक मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में किया है बहुत बड़ा बदलाव। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने किस खिलाड़ी को कर दिया है भारतीय टीम से बाहर और इस मुकाबले के लिए क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बल्लेबाजी क्रम, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों के सीरीज में भारत और श्रीलंका की टीमें एक एक मुकाबले को जीत कर इस सीरीज में एक एक की बराबरी पे खड़ी है। तो ऐसे में 7 जनवरी को होने वाला मुकाबला इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा। दोनों टीमों में से जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह इस T20 मैचों के सीरीज को जीत जाएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पिछले T20 मैच में खराब खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शुभमन गिल और संदीप सिंह को इस T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम से कर दिया है बाहर और शुभमन गिल के स्थान पर इस मुकाबले के लिए युवा विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय क्रिकेट टीम में किया है शामिल। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 6 गेंदों पे 7 छक्के भी लगा चुके हैं और संदीप सिंह के स्थान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मुकेश कुमार को भारतीय क्रिकेट टीम में किया है शामिल। मुकेश कुमार इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मुकेश कुमार एक मैच में 6 विकेट लिए थे। इस तरह ऋतुराज गायकवाड़ और मुकेश कुमार के भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने से हार्दिक पांड्या ने इस निर्णायक T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 और बल्लेबाजी क्रम की घोषणा कर दी है, जो होगी कुछ इस प्रकार। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दीपक हुड्डा, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर मुकेश कुमार भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 9 पर शिवम माबी, नंबर 10 पर उमरान मलिक, नंबर 11 पर यजुवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस सीरीज के निर्णायक मुकाबले में हार्दिक पांड्या की यह प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। और यदि आप भी चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम या T20 मैचों का सीरीज जीते तो क्रिकेटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।